जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल। आज हम ज़ैन रेजिडेंशिया में, बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बहुत सारी सोसाइटीज़ का विज़िट किया लेकिन अभी तक ज़ैन रेजिडेंशिया का कोई प्रोग्राम नहीं आया। तो उसी सिलसिले में आज हम ज़ैन रेजिडेंशिया पे आए। फिरोजपुर रोड के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे फिरोजपुर रोड के बिल्कुल एक किलोमीटर के अंदर पे ये ज़ैन रेजिडेंशिया है। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, इस वक्त हम इसके मेन एंट्रेंस पे मौजूद हैं और इन्होंने इसका मेन एंट्रेंस बहुत खूबसूरत सजाया है। अभी और भी विज़िट कराएंगे अंदर। यहाँ पे कुछ घर बन भी चुके हैं। इसकी इस एरिया की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे आज जी मेरे साथ साथ चलते हैं, हमने अभी बहुत सारा विज़िट करना है। इसकी खूबसूरती ये है कि इतना यहाँ पर कोई भी अगर प्लॉट लेता है तो दोस्तों ये LDS अप्रूव सोसाइटी है। आप वेबसाइट पे जाएं, LDA की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको इसकी अप्रूवल मेंशन मिलेगी। बहुत सारी सोसाइटियों की अप्रूवल अभी चल रही है लेकिन इनकी अप्रूवल हो चुकी है और ये एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आप बेफिक्र होकर आकर रह सकते हैं। तो यहाँ पे विज़िट करते हैं, इनके ऑनर से मिलते हैं, रेट शेट जानते हैं, कुछ मामला इनसे डिस्कस करते हैं, चलते हैं जी अंदर। चलें जी दोस्तों, इस वक्त हम बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे मौजूद हैं और इसकी खूबसूरती ज़रा चारों साइडों पे देखें कि मेन एंट्रेंस पे और खूबसूरत घर भी बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रिहाइश शुरू हो चुकी है, घर बन रहे हैं। अंदर चलते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई रिहाइश करना चाहे तो बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं। हमने इनके ऑनर से बात भी की है कि यहाँ पे अगर फौरी तौर पर कोई यहाँ पर रिहाइश करना चाहे तो क्या पोजिशन है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी घर बन चुके हैं, मस्जिद की जहाँ पे मौजूद है, पार्क्स हैं यहाँ पे, राइश के लिए बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे रेंजमेंट है अच्छी, यहाँ पे डबल रोड आप सड़क देख सकते हैं जो मेन बुलेवार्ड है। आगे चलते हैं और घरों को विज़िट करते हैं, देखते हैं जी। दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ पे घर बन रहे हैं और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे रहाइश शुरू हो चुकी है। ये दोनों घर आप देख रहे हैं और इसके अलावा और भी घर देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि बन रहे हैं घर तो ज़ाहिर है कि रहाइश भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखें जी, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया और जल्दी यहाँ पे भी रहाइश होने वाली है। और जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ये सामने जो है ये मस्जिद तामीर हो रही है और इसकी पल्ली साइड पे बड़ा खूबसूरत पार्क बन रहा है और ये कुछ घर हैं यहाँ पे जो बन रहे हैं। और इस वक्त मेरी कैमरे की स्क्रीन के ज़रिए से आप टोटल विज़िट कर सकते हैं। और इस साइड पर यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने ये भी पार्क है और ये भी इस तमाम सोसाइटी में छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं तो आप देख सकते हैं। ये भी कुछ घर हैं जो आप देख रहे हैं और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पर भी एक मेन रोड जो आ रहा है क्योंकि इसका मेन बुलेवार्ड 80 फुट का है और डबल रोड है और ये उसी रोड से हम थोड़ा सा और आ गए हैं, बुकिंग ऑफिस की तरफ से हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कुछ मशीनरी क्योंकि डेवलपमेंट का काम मुसलसल जारी है और मशीनरी खड़ी है। बुकिंग ऑफिस चलते हैं, इनके ऑनर से बातचीत करते हैं, कुछ फेवर्स लेते हैं अपने नाज़रीन के लिए, ज़रूर चलेंगे। ये देखें जी बुकिंग ऑफिस और यहाँ पे जो ज़ैन रेजिडेंशिया के ऑनर हैं नवी साहब और हाजी यूसुफ साहब, उनसे भी कोशिश करते हैं जी मुलाकात करते हैं। अंदर चलते हैं जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुकिंग ऑफिस में मौजूद हैं। इस तमाम सेटअप के जो ऑनर हैं हमारे आज के गेस्ट जनाब नवी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, मैं कहूँगा जी किसी भी तरह से मुताज नहीं। जितने लोग हमें देख रहे हैं बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज ज़ैन रेजिडेंशिया की जो हमने तमाम विज़िट किया, इनसे भी कुछ पूछते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनवीर भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले सर, ज़ैन रेजिडेंशिया के बारे में कुछ हमें बताएं, इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी खूबियाँ सर, वो भी हमें ज़रा, हमें पता है लेकिन ज़रा के ज़रिए से मज़ीद अपने ऐसे लोगों के लिए जो नहीं जानते उनको बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ETV इंटरनेशनल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बेसिकली ज़ैन रेजिडेंशिया एक LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है और हमने कोशिश की है कि लाहौर में एक मुनफरद प्रोजेक्ट लाएँ जो कि डिवेल्प हो और इसको जो है ना LDA अप्रूवल के बाद हमने इसकी सेल स्टार्ट की है। जी बिल्कुल, आपको लाहौर में शायद कोई 2-4 प्रोजेक्ट ही मिलेंगे जिन्होंने इस लेवल पे आके अपनी सेल स्टार्ट की है। लोग काफ़ी पहले सेल कर जाते हैं लेकिन हमने जो है ना टोटल प्लॉट हमारे पास ऑन ग्राउंड है। जी बिल्कुल, रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इधर हर चीज़ है। जी प्यारे दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी ज़ैन रेजिडेंशिया में ही घर बन रहे हैं और ये इनका घरों का प्लान है। तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं जी, घरों के लिए इंस्टॉलमेंट जो भी है वो आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। जो ब्रोशर है उसका ये आप देख सकते हैं जी, आगे तक डेवलपमेंट तो मुकम्मल तौर पे जारी है और इधर ये पीछे बड़ी खूबसूरत पार्क बन रही है
और इसका दिन रात काम किया जा रहा है जी। इसको बहुत जल्दी इन्होंने डेवलप करके आप लोगों के लिए शेयर कर देना है। इससे पहले मैं चाहूँगा, हमारे पास ब्रोशर है और इस ब्रोशर के ऊपर अगर हम कैमरा लेके जाएं तो हर एक चीज़ जो सवाल आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको उनके जवाब मिलेंगे। तमाम प्लान 40 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट प्लान इसमें नज़र आ रहा है और हर एक चीज़ इसमें नज़र आ रही है। आप ज़रूर देखें और स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें। घरों का प्लान सर जी, ये क्या है? हमने जो है ना जी, ये हमारे पास घरों का प्लान है और इसके ऊपर भी देखें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे सवाल करके बहुत ज़्यादा टाइम लें, तो आप इसको स्टडी करें। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी और नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें। नवी साहब हर वक्त रेडी हैं आप लोगों की खिदमत के लिए। एलडीए की अप्रूवल की स्टैंप भी आप देख रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है। सर बहुत शुक्रिया आपका, हमने टाइम दिया और आपके साथ बातचीत की। बिज़ी आदमी है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला और कुछ देर के बाद मिला, लेकिन सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस तरह के ये प्रोग्राम, ये वीडियोज़ का आज ये पहला प्रोग्राम है। हम इसकी अपडेट जैन रेजिडेंशिया के आपको शेयर करते रहेंगे और स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। यहाँ पे अगर प्लॉट की बुकिंग करनी है तो देर ना करें, क्योंकि बुकिंग इस वक्त बहुत स्पीड से जारी है, तो नंबर पे आप कॉल करें और अपनी बुकिंग को अपने लिए अवेल करें। मार्केटिंग के नंबर लिखे हैं, नवी साहब का नंबर लिखा है, आप कॉल करें और अपने लिए अवेल करें। सर बहुत शुक्रिया आपका, और ETV न्यूज़ के साथ बातचीत करके आपको कैसा लगा सर? सर ETV न्यूज़ के साथ बात करके आप, मैं यही कह सकता हूँ कि आपका कीमती वक्त है, आपने हमें टाइम दिया है और आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी ETV इंटरनेशनल न्यूज़ के तवसल से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इधर आएँ, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक LDA अप्रूव प्रोजेक्ट में आप अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया सर आपका, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें और पाकिस्तान के लिए हम नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।